विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्रांस के CNRS यानी नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, पेरिस सैकले विश्वविद्यालय और नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के वैज्ञानिकों ने फ्रेंच पोलर इंस्टीट्यूट के सहयोग से धरती पर गिरने वाली ब्रह्मांडीय धूल की मात्रा निर्धारित की और पाया कि हर साल 5,200 टन धूल सूक्ष्म उल्का पिंडों के रूप में गिरते हैं। ग्रहों के बीच के ये धूल कण धरती के वायुमंडल से गुजरते हैं और उल्का को जन्म देते हैं। इनमें से कुछ धरती की सतह पर सूक्ष्म उल्का पिंडों के रूप में गिरते हैं। यह अध्ययन अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस लेटर्स नामक जर्नल में हाल में प्रकाशित हुआ है। सूक्ष्म उल्का पिंड हमेशा से हमारी धरती पर गिरते रहे हैं। दो ग्रहों के बीच के ये धूल कण धूमकेतुओं या छोटे तारों से आते हैं। ये कण मिलीमीटर के 10वें या 100वें भाग होते हैं जो वायुमंडल के गुजरते हुए धरती की सतह पर पहुँचते हैं। इन सूक्ष्म उल्का पिंडों को संग्रहित कर विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिकों के दल ने 2 दशकों तक फ्रांको इटालियन कॉनकॉर्डिया स्टेशन यानी डोम सी पर डेरा डाला। यह स्थान अंटार्कटिका के एडिली लैंड से 1100 किलोमीटर दूर स्थित है। बर्फ जमने की कम दर और धरती के धूल कणों की अनुपस्थिति में डोम सी ब्रह्मांडीय धूल के लिए आदर्श जगह है। इन वैज्ञानिकों ने 30 से 200 माइक्रोमीटर के आकार के पर्याप्त ब्रह्मांडीय धूल कण इकट्ठा किए जिससे कि वार्षिक प्रवाह को मापा जा सके। यह वार्षिक प्रवाह पृथ्वी पर प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष जमा द्रव्यमान है। एक तुलनात्मक अध्ययन से पता चला कि ज्यादातर सूक्ष्म उल्का पिंड धूमकेतुओं से आए हैं और शेष छोटे तारों से। धूमकेतुओं से आने वाले उल्का पिंडों की मात्रा 80% के लगभग पाई गई। यह जानकारी धरती के आरंभिक अवस्था में पानी और कार्बन युक्त अणुओं की आपूर्ति में इन ब्रह्मांडीय धूल कणों की भूमिका को समझने में अहम साबित होगी।